क्या नाम है आपका? सपना। सपना जी, क्या मामला है? आपने सरकार से खाने पीने की मदद मांगी थी, क्या था पूरा मामला? पूरा तो यही था कनम की, खाने को हम राशन दूंगी पूरा जी और भरपेट दूंगी, लेकिन कनम कुछ नहीं मिला। कनम सिर्फ 5 किलो गेहूँ और कनम 1 किलो चावल, तो चने। तो कूपन कूपन मिला है आपको उनकी तरफ से? कूपन मिला बस और कुछ नहीं मिला है। तो कितने परिवार हैं, कितने सदस्य हैं आपके? हम 4 हैं। चारों के बीच में एक कूपन मिला है बस। तो कितना सामान मिला है आपको? 5 किलो गेहूँ और 1 किलो चने। अच्छा, तो उसको भी खराब बता रहे थे आप, क्या था प्रॉब्लम? बिल्कुल बेकार से है, घुने घुने से है। तो आपने शिकायत करी अधिकारियों को? अब मैं किससे करूँ, अब गए जो मिला वो ले आए। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम हुकुम सिंह है। हुकुम सिंह, क्या मामला है, परेशान हैं आप, सामान नहीं मिल पा रहा? सर लॉकडाउन में हमारी कंपनी ने पेमेंट हमें दी नहीं जी। उसके बाद में फिर हमने सरकार से मदद मांगी, अधिकारी के पास जाते आते रहे हम, तो वहाँ से हमें ये मिला, 5 किलो गेहूँ मिले हैं, इन्हें खाने के लिए अभी मन नहीं कर रहा, 1 किलो चना है। तो क्या 6 परिवार के बंदे में क्या 5 किलो ये लगेगा? तो क्या सरकार की तरफ से टोकन नहीं मिला आपको? टोकन मिला है जी सर। तो कितने? 6 मेंबर लिखवाए थे सर मैंने। 6 मेंबर लिखवाए थे? हाँ जी। तो कितना सामान मिला है आपको? 5 किलो गेहूँ, 1 किलो चना। एक बंदे का बस, और वो भी खराब बता रहे हैं आप, क्या खराब है जी? हाँ। तो क्या दिक्कत है उसमें? इसमें मिट्टी है, पत्थर है, ये खाने लायक है ही नहीं, इसको बकरी भी नहीं खाएगी। तो जो सामान दिया वो खाने बिना खराब दिया? हाँ खराब है जी। तो आपने इसकी शिकायत दी है अधिकारियों? हाँ जी, हमने शिकायत दी है अधिकारियों को। तो क्या क्या आश्वासन मिला है? उनको कहा कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, तब उसके बाद में आपको पता दूँ। कितने सदस्य हैं आपके घर में? 6 बंदे हैं जी। 6 बंदे के बीच में से एक परिवार को? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सर बिलाल अली खान है। बिलाल जी, क्या समस्या है? आपने खाने पीने को लेकर अधिकारियों को शिकायत दी थी, क्या था पूरा मामला? सर समस्या ये थी कि घर में हमारे खाना वाना का कुछ नहीं है जी। मैं एक पेशे से ड्राइवर हूँ जी। मैं जैसे तैसे अपने परिवार का पेट भरता हूँ जी, रात दिन मेहनत करता हूँ, तब जाके घर में 2 पैसे ला के अपने परिवार को पेट से खिलाता हूँ जी। आज लॉकडाउन के दौरान वो सब बंद हो चुका जी, कोई हमें अपने पास बिठाने को राजी नहीं है जी। तो उसी बीच पे मैंने अपने चप्पलें घिसते हुए अफसरों से अधिकारियों के पास गया जी। मैं 12 सेक्टर में फ्रूट ऑफिस है राशन का, वहाँ गया जी। पर कोई बात सुनने को तैयार नहीं था जी। उस पे बाद मैंने अपनी, जब एक हमारे अचानक से एक साहब मिले जो सर्वे कर रहे थे हमारे एरिया का, उनसे मेरे को हाथ जोड़ के विनती करी कि सर हम भी तो एक हैं, हमें कुछ राशन। उन्होंने हमारा बच्चों का आधार कार्ड लिया, मेरा लिया, मेरी वाइफ का लिया, 4 मेंबर का मैंने आधार कार्ड उनको दिया। उसके बाद उनका 1 महीने बाद रिप्लाई आया है कि आपका टोकन हो गया है और आप टोकन ले जाओ, जो कि टोकन ये था राशन का जी। तो मैं वो टोकन लाया, उसके 1 महीने बाद ही मेरे को ड्यूटी वाले का फ़ोन आता है जी कि आप राशन ले जाओ। मैं खुश हो गया, मैं चलो भाई कहीं से सरकार ने मदद करी। अब मैं दौड़ा दौड़ा गया धूप में और मैं राशन ले कर वहाँ पर गया। जब मैंने देखा तो 5 किलो गेहूँ और 1 किलो चने। मैंने कितने मेंबर हैं आपके सदस्य में? जो हम 4 मेंबर हैं जी, जी। इसमें 2 बच्चे हैं मेरे और हम मियां बीवी। तो आधार कार्ड चारों का लगाया है? चारों का आधार कार्ड है जी। तो एक बंदे का आया, ये आप नाम देख सकते हैं, बिलाल अली खान है जी। बस ओनली बिलाल अली खान ही है, बाकी मेरा परिवार सब सरकार की निगाह में खत्म हो चुका जी। तो क्या परेशानी है, इसकी सूचना दी है अपना अधिकारी द्वारा? दी है, मेरी कंप्लेंट है उसमें के गोयल जी हैं, जो मैंने पता करा है PM पोर्टम से जी, उन पे मेरा चल रहा है, वो कह रहे हैं हम इस पे कार्रवाई करेंगे। तो क्या कोई आश्वासन मिला है अब तक? कोई आश्वासन नहीं मिला, सिर्फ मैंने बात करी, उनका फोन आया था, मैंने उस पर बात करी उनसे, उन्होंने मेरे को एक ही कहा है कि ठीक है अगली बार आपको अच्छा गेहूँ मिल जाएगा। तो कितने परिवार हैं जो इस बात को लेकर परेशान है, जो कि? सर यहाँ पे मेरे घर तकरीबन कम से कम तो 20 से 25 तो मेरी गली के अंदर ही है जी, जो इस बात से परेशान है। और जो कि आपने देखे होंगे कि अभी मेरे आए हुए हैं जो खड़े हैं, जो अपनी समस्या ले रहे हैं। तो घर के सदस्य ज्यादा हैं और एक बंदे को टोकन के हिसाब से सिर्फ 5 किलो 5 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल, जो कि मैंने आपके सामने वीडियो बना वो दिखा दिया है, जिसमें पत्थर, गोबर और वो है, ये चीज है सर। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि मजाक गरीब के साथ नहीं करें तो अच्छा है, हमने वोट दिया है तो दिल से दिया है माननीय प्रधानमंत्री। काफी परेशानी आपको इस लॉकडाउन के? मैं तो बिल्कुल सर खत्म ही हूँ, अगर मेरी सरकार ने सहायता नहीं करी तो मैं तो या तो परिवार मेरा खत्म है या मैं खत्म हूँ।